जय हिंद दोस्तों, आदा जोश के साथ आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करें। और आप लोग सब तैयार हो जाइए। मैं आप लोग को पहले भी बोल रखा था कि डिफेंस 2021 में लगभग सौगात लेके आएगा, और आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक से एक वैकेंसी आपको आने वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एग्जामिनेशन को फोकस करिए, ज़्यादा एग्जामिनेशन को फोकस करिए। अब लगभग टोटल एग्जाम जो पहले फिजिकल होता था, अब कहीं ना कहीं फिजिकल लास्ट में होगा, पहले रिटर्न होगा। तो आप लोग को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि प्लीज़, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आप कैसे से जीडी वैकेंसीज है, असम राइफल की वैकेंसी आ चुकी है, और अभी एक सौगात लेके आया हूँ, अपने थंबनेल में देखा होगा सीआरपीएफ की बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाओ यार, वैकेंसीज बहुत सारे हैं, खाली आप अपने एग्जाम्स को फोकस करिए। आप अभी अगर अब से ही तैयार करना स्टार्ट कर देंगे अपने आप को, तो मैं 1-3 से 4 महीने के अंदर मैं गारंटी दिलाता हूँ कि इस चैनल से जुड़ के रहिए, आप लोग को एग्जाम का उस लाइक कर दूंगा जो आप लोगों को कहीं किसी का मुमताज नहीं करना पड़ेगा, या तो किसी को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, आप लोगों को बताया है कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो फरवरी 1st वीक से स्टार्ट होगा। यदि मेरे क्लासेस से ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत कम फी में 150 रुपया पर मंथ का पेमेंट रहेगा, और पेमेंट करने का तरीका है 9693647878 पर आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट 9142727989 पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लासेस में ऑनलाइन कर दिया जाएगा और ऑनलाइन बेसिक क्लासेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप चलते हैं इस वीडियोस की ओर। सीआरपीएफ की ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। कौन से पोस्ट के लिए वो भी मैं बता दूं। इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा आप टोटल 875 पोस्ट होंगे, जिसमें जनरल के 400 पोस्ट होंगे, ओबीसी में 190 पोस्ट, एससी में 100 पोस्ट होंगे, एसटी में 65 पोस्ट होंगे, और ईडब्ल्यूएस के 70 पोस्ट होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या रहेगी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, जिन बच्चों का अपॉर्चुनिटी एसएससी जीडी में नहीं हो पाएगा, इनको यहां पे फायदा होने वाला है। इसका एज लिमिट 18 से 25 होगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का छूट मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 ईयर का छूट मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। बच्चे, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है एनी स्ट्रीम के साथ, ठीक है। हाइट 165 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे हाइट का भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। चेस्ट 70x82 का रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता था कि सर मेरी एज को प्रॉब्लम को लेकर ऐसे जीडी नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए बच्चे, ये भी पैरामिलिट्रीज आपको जॉब देती है, ये भी पैरामिलिट्रीज है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि वो 2000 ग्रेड पे का और ये 2400 ग्रेड पे का, कहीं ना कहीं आपके सैलरीज का भी डिफरेंसल होगा, और ये ऑफिशियल टाइप का जो है हेड कॉन्स्टेबल का, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में 100 मार्क्स के रिटर्न होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स में क्या क्या होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा आपका, 25 मैथ, 25 रीजनिंग होगा, 25 स्पेशल आपका इंग्लिश होगा, 25 में आपका लगभग 15 से 20 लगभग साइंस होंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, बल्कि एसएससी जीडी बिल्कुल एसएससी जीडी के सिलेबस रहेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे, इसको अगर आप मेहनत करेंगे, अगर तैयारी करेंगे एसएससी जीडी का, तो ये भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स था। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपकी रनिंग होगी, ठीक है। और रनिंग क्या होगी, तो आपको पता होगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, और जिसमें से आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ एग्जामिनेशन फी, तो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी तरह के अगर जनरल और ओबीसी वाले बच्चे, इसका 100 रुपीज़ फी होगा, और EWS अदर कैटेगरी जितने भी तरह का फीमेल है या मेल है, इनके कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लिया जाएगा। अब मैं बात करूं इसकी ऑनलाइन डेट कब होगा, तो आपको पता होगा कि पैरामेडिकल्स की रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, पैरामेडिकल्स की रिक्रूटमेंट, और यहां देख सकते हैं सीआरपीएफ के 2021 तक की जितनी भी वैकेंसीज का चैट बहुत पहले दे रखा था, चाहे पैरामेडिकल्स का हो या कुछ भी हो, 4 मार्च को ही दे रखा था, 4 मार्च 2020 को ही। तो अब तक का जितने भी तरह का सिलेक्शन, 2 तरह का सिलेक्शन ले चुका है, सिलेक्शन ले भी रहा है। अब लास्ट वाला जो सिलेक्शन रह गया आपका, वो रह गया आपका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। तो सीआरपीएफ का बचा हुआ 875 पोस्ट, इसमें बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से, अगर आप 12th पास कर रखे हो तो, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी की ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो मेरा लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर फिर भी बता देता हूँ, 9693647878 पे आप पेमेंट करने के बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके बाद 9142727989 पे
स्क्रीनशॉट ले भेज सकते हैं, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। दो ग्रुप था, दो बैच, एक बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच जल्दी करिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। तो आई होप ये सारी डिटेल्स आपको नजर आएगा। ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सेट मारा कीजिए परीक्षा एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए मेरा रेफरल कोड यूज करिए मुकेश 50, आपका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।